तो दोस्तों रियलमी की तरफ से रियलमी 9 आई के यूज़र्स के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ इंडिया में निकल के आ चुकी है। फाइनली इस डिवाइस के लिए लेटेस्ट मार्च 2022 का सॉफ्टवेयर अपडेट जो है रोल आउट होना शुरू हो चुका है। फाइनली बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रियलमी 9 आई में जो अपडेट रोल आउट किया गया है उसके अपडेट का जो वर्जन है RMX 3491 11A.12 है, और इसी के साथ ही इसमें आपको मार्च 2022 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे बग्स वगैरह इसमें फिक्स किए गए हैं, जैसे कि इसके कैमरे में कुछ इंप्रूवमेंट की गई है। जैसे जो रियर कैमरा आपका जो होता है, जिससे कि आप रियर कैमरे से कोई भी पिक्चर जो है क्लिक करते हो, फोटो क्लिक करते हो, तो उसकी जो पिक्चर की जो क्वालिटी है, फ़ोटो की क्वालिटी है, वो इंप्रूव की गई है। तो इस तरह के इसमें जो है इंप्रूवमेंट आपको इसके कैमरे में देखने को मिलेगी, रियर कैमरे में। इसके अलावा सिस्टम के परफॉर्मेंस, उसकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव किया गया है, और इसी के साथ ही इसके सिस्टम में जो भी अननोन बग्स आपको देखने को मिल रहे थे वो फिक्स किए गए हैं। और साथ ही इसके सिस्टम में जो भी आपको लैग इशू देखने को मिल रहा था या अदर कोई भी बग देखने को मिल रहे थे वो भी इसमें फिक्स किए गए हैं। तो दोस्तों 8.12 वर्जन का ये अपडेट जो है फाइनली आपको रियलमी 9 आई में देखने को मिल चुका है। अगर आपके पास भी ये डिवाइस है तो आप भी अपने सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर इस अपडेट को चेक कर सकते हैं, और अगर आपको ये अपडेट मिला तो आप भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपके भी डिवाइस में आपको इंप्रूवमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएगी और लेटेस्ट मार्च का जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला तो आप कुछ दिन का वेट कर लीजिए, क्योंकि फिलहाल ये कुछ यूज़र को ही टेस्टिंग में रोल आउट किया गया है। धीरे धीरे करके टेस्टिंग पूरी होने के बाद सभी यूज़र को ये पब्लिकली रोल आउट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये न्यूज़ निकल गया थे रियलमी 9 आई के लेटेस्ट मार्च 2022 के अपडेट की। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को भी ऐसे अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।